झारखंड राज्य बाल श्रमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर बाल श्रमिक पुनर्वास समिति कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया। वहीं शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार पंडित ने कहा कि 2 वर्षों से मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, जिसे अविलंब भुगतान किया जाए एवं विद्यालय संचालन के साथ समायोजन की मांग करते हैं। वहीं बाल श्रमिक पुनर्वास समिति के परियोजना निदेशक संजय आनंद ने कहा कि तीनों मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है, जिसमें राशि और विद्यालय संचालन को लेकर सरकार को लिखित रूप से भेजा गया है। जैसे ही राशि आएगी भुगतान कर दिया जाएगा। हम लोगों को 14 तारीख को बुलाए थे वार्ता करने के लिए कि आप लोग इस काम को करें, तो धरना तोड़ दिया गया, लेकिन वो वार्ता विफल रह गई हम लोगों से और हम लोगों की मांग को पूरी नहीं हुआ गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग फिर से लगातार अनिश्चितकालीन धरना धरेंगे। हमारी 3 मांगे हैं। पहला है कि 24 माह का वेतन, और दूसरी मांगे हैं हमारे विद्यालय का संचालन, और तीसरी मांगे हैं यदि विद्यालय संचालन नहीं होता है तो हम लोग को समायोजन किया जाए किसी भी विभाग में। और ये हमारी 3 सूत्री मांगों के साथ हम लोगों ने ये अनिश्चितकालीन धरना रखे हुए हैं। संघ के द्वारा जो भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें इन लोगों के 3 मांगे प्रमुख मांगे। पहला है कि सत्र का संचालन के संबंध में सत्र का संचालन हो, दूसरा है पूर्व में इन लोगों का जो बकाया मानदेय है उसका भुगतान के संबंध में, और तीसरा है कि यदि सत्र का संचालन नहीं होता है तो समायोजन के संबंध में किसी भी अन्य विभाग में। तो पहले इस पर जो है, पहले मैंने इन लोगों को बताया, पत्र जो है उपायुक्त महोदय चूँकि NCLT के अध्यक्ष होते हैं और सर के द्वारा ये पत्र जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चला गया है, सत्र संचालन के संबंध में भी चला गया है और आवंटन के लिए भी मांग किया गया है। वहाँ जैसे ही वहाँ से परमिशन मिल जाएगा फिर सत्र संचालन स्टार्ट हो जाएगा और इन लोगों का आवंटन जैसे ही हम लोगों को मिल जाएगा फिर इन लोगों को आवंटन मिलते ही इन लोगों का जो भी निकलता है वो भुगतान कर दिया जाएगा। तीसरा बिंदु जो है समायोजन को लेकर, तो ये NCLP परियोजना जो है ये भारत सरकार की एक परियोजना है, ठीक है, और सारा फंडिंग भारत सरकार करती है। तो भारत सरकार की सरकार ही इस पर निर्णय ले सकती है कि समायोजन किया जाना है, कहाँ किया जाना है, नहीं किया जाना है। जो भी निर्णय होगा ये सरकार का निर्णय होगा, इसमें हम लोग कहीं भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये 2 बिंदुओं पर एक वार्ता भी, ये 3 बिंदुओं पर इन लोगों के साथ उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमारे साथ वार्ता भी हुई थी, और उस वार्ता में ये 3 बिंदुओं के बारे में मैंने संघ के जो भी अध्यक्ष थे और उनके साथ और 4 सदस्य थे, चारों को मैंने अवगत कराया। उनमें हामी भी भरी गई, लेकिन बाद में ये लोग उससे प्रोसीडिंग जो बना उसको साइन करने से इन लोगों ने इनकार कर दिया। और पुनः ये दूसरे दिन से, पहले तो बोला गया कि उस प्रोसीडिंग को जब मैंने दिया तो कि अभी आ रहा है 3 बजे के आसपास, वो प्रोसीडिंग 4 बजे दिया गया कि अध्यक्ष महोदय यहाँ नहीं है या दूसरे और जो है नहीं है तो वो शाम तक आ जाएगा, ये हमारे जो स्टेनो प्रदीप जी के द्वारा बताया गया। फिर मैंने 5:30 बजे उनसे फीडबैक दिया 5:20 में करीब, तो उन्होंने बताया कि सर वो दूसरे दिन सुबह जो है वो कल लाके दे देंगे उस प्रोसीडिंग को साइन करके, लेकिन उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया और पुनः वो लोग धरना पर बैठे हुए अभी भी लगातार उन लोगों का धरना जारी है।